आने से पहले पेशेंट को क्या क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि पेशेंट कोई चीज ना दूध पी पाते थे ना दाल का जूस पी पाते थे, मुंह बिल्कुल क्लोज हो गया था। हाँ, शरीर दर्द करती थी, बुखार रहता था उनको, बुखार रहता था और इसके बाद हमेशा सोते थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। हाँ, बिल्कुल कमजोरी से फील, कमजोरी से। बनारस टाटा में गए तो वहाँ पे जांच हुआ, जब जांच हुआ तो कैंसर। ठीक है, फिर कैंसर हुआ तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, वही ऑपरेशन किए, ये पूरा काट दिया। हाँ, पूरा काट दिया। ठीक है, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद फिर सक्सेस मिल गया। फिर आपकी दवा जब ले गया, हमने चलाया, उनको पिलाया, तो तीन दिन चार दिन बाद उनको जो भूख भी लगने लगी, सूजन भी कम हो जाऊंगा, आवाज भी साफ आने लगी। तो आपसे बात भी की, आप मेरे से बात की, रहते हैं गुड़गांव में, रहते हैं दिल्ली। मैं इनके पास फोन किया, मैं बोला कि आज चार पाँच दिन हो गया, फर्क तो बहुत पड़ा उनको। ये बोलने अगर गाय की व्यवस्था तो मैं आपको दवाई दूंगा, इसमें कहीं मैंने अपना नाम नहीं लिया कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको ठीक करने के पीछे गौ माता कहाँ। आपका पेशेंट का नाम? राम सागर। राम सागर, आप कहाँ से आए हो? आजमगढ़ से। आजमगढ़ यूपी? यूपी। उम्र उनकी 41। शुरुआत से बताना, स्टार्टिंग से जो दिक्कत हुई थी, ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ करवाया आपने? ट्रीटमेंट जो शुरुआत से, इन्होंने बोले एक हफ्ता से इनके मुंह में छाला था। ये कब की बात थी? 17 अप्रैल 2022। ये तो ऑपरेशन से हुआ, ये तो ऑपरेशन हुआ था ना, उससे पहले। ये कब की बात है? छाले जो में थे, तीन चार महीने पहले की बात है। अच्छा, चार महीने पहले की बात है। हाँ, तीन चार महीने पहले की बात है। ठीक है, तो वहाँ से एक हमारे यहाँ हॉस्पिटल है PGI, ठीक है, उसमें डॉक्टर बैठते हैं मुकेश गुप्ता, ठीक है, उनसे दवा लिए, दवा एक हद तक दिए, फिर वो तीन दिन का दवा खाएं, उनका छाला ठीक हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने जो क्या नाम है कि तीन दिन बाद वो छाला हो गया, फिर बन गया ठीक होने के बाद। नहीं, दवा तीन ही दिन खाए थे, उसके बाद दवा फेंक दी। फेंक नहीं दी, दवा खाई नहीं पाए, गाड़ी चलाते थे, ट्रक ड्राइवर थे। हाँ, तो उन्होंने जो छाले थे उनका दवाई दिया गया, उससे आराम भी मिला। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने दवाई को नहीं खाया। नहीं खाया। ठीक है, तो फिर इसके बाद वो उनको ले गए जिला आजमगढ़। ठीक है, जिला पे वहाँ पे जो गला के डॉक्टर है उनको दिखाया गया, दांत के डॉक्टर को दिखाया गया, वो एक हफ्ते की दवा देते थे, कहते थे एक हफ्ते में आराम होगा, तो ठीक, नहीं तो इसका जाँच करवाएंगे। हाँ, सही बात। फिर इसके बाद वहाँ से लखनऊ ले गए। लखनऊ ले गए, लखनऊ आपको वहाँ से आराम नहीं मिला? नहीं। हाँ, तो फिर आप ले, ठीक है। हाँ, एक हफ्ते दवा खिलाया भी तो नहीं आराम हुआ, तो लखनऊ ले गए, तो लखनऊ में डॉक्टर साहब बोले कि इनको जो है मतलब एक हफ्ते की दवा दे रहे हैं 10 दिन के, उसके अंदर अंदर इनका जांच करवा लीजिए। उन्होंने 5 जांच लिखे, ब्लड का, मांस का और क्या चीज का, बायोप्सी करने के लिए बोला, टुकड़ा लेने के। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने नहीं करवाए। ठीक है, वहाँ से भाग गए लखनऊ से। ठीक है, ये गए गोरखपुर एम्स में। ठीक है, एम्स में गए तो एम्स से क्या नाम है वहाँ भी जांच लिख दिए, तो वहाँ से आए, तो वहाँ से फिर किसी ने राय दिया आप चलो बनारस टाटा में दिखाते हैं। ठीक है, बनारस टाटा में गए तो वहाँ पे जांच हुआ, जब जांच हुआ तो कैंसर। ठीक है, फिर कैंसर हुआ तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, वही ऑपरेशन किया, ये पूरा काट दिया। हाँ, पूरा काट दिया। ठीक है, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद फिर सक्सेस नहीं हुआ उनका ऑपरेशन। यहाँ पर चलो, आपने ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद भी वो सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है जी, आपने कीमो भी लगवाया, आपने रेडिएशन भी लगाया, 5 रेडिएशन बता रहे, कीमो कितने लगे आपके? एक कीमो लगवा लिया आपने। तो आज देखो, सब जगह से परेशान होके आपने मेरे बारे में मेरे पास आप आए 28/7/2022 को, है ना? पर आज कितनी तारीख हो गई है? आज 21/8/2022। ठीक है जी, कितने दिन? अप्रोक्सीमेट 15 दिन हो गए दवा पिलाते, 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। इस 15 दिन में और 15 दिन से पहले क्या क्या दिक्कत थी आपको? मेरे आने से पहले पेशेंट को क्या क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि पेशेंट कोई चीज ना दूध पी पाते थे ना दाल का जूस पी पाते थे, मुंह बिल्कुल क्लोज हो गया था। हाँ, और शरीर दर्द करती थी, बुखार रहता था उनको, बुखार रहता था
और इसके बाद हमेशा सोते थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, बिल्कुल कमजोरी से थी, कमजोरी से। हाँ, फिर आपकी दवा जब ले गया हमने चलाया, उनको पिलाया, तो 3-4 दिन बाद उनको जो भूख भी लगने लग गई, सूजन भी कम होने लग गई। ये चूजा ऑपरेशन हुआ था तो आंख में उनकी सूजन थी, नाक बिल्कुल बंद था पूरा। जिस समय मैं आपको दिखाया था ये वीडियो, उनकी दवा लेने आया था पहली बार, तो आंख उसके 1 हफ्ते बाद दवा पिलाया और आंख ढक गई। अच्छा जी, उससे ज्यादा ढका गई, फिर इसके बाद भी खुल गया, आंख पूरा कम हुआ, खुल गया। आज तो बिल्कुल पूरा आंख अच्छी तरह खुल रहा है, जैसे अभी देखा मैंने इनका, अच्छी तरह खुल रहा है और भूख लग रही है, ठीक है, शरीर में एक्टिवेशन, यानी उसको लगा कि हाँ भी मैं स्वस्थ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। आवाज भी साफ आने लगी, तो आपसे बात भी की, अब मेरे से बात भी की, पहले आवाज भी नहीं थी, पहले उतनी साफ नहीं निकल नहीं निकल पाती थी, क्योंकि पूरा ऑपरेशन होने के बाद मतलब उनको आराम मिला, मतलब आराम आपको 4 दिन में मिलना शुरू हो गया। आप जो यहाँ पर वीडियो देखा था आपने कि 20 दिन में लोगों का आराम मिलता है, ठीक होता है, तो आपको उन बातों का पूरा विश्वास हुआ। अभी तक सिर्फ आपने लोगों की वीडियो देखी, आज आपकी वीडियो, हर पेशेंट की मैं 20 दिन की रिकवरी की वीडियो बनाता हूँ, पर पहले आपकी क्या कंडीशन थी, अब आपकी क्या कंडीशन है। ये जो आयुर्वेद को आप लोग अभी तक विश्वास नहीं था, अभी भैया भी बोल रहे थे कि भैया हम कीमो भी लगवा लें और आपकी भी दवाई कर लें, अब आप बताओ कि क्या करना चाहते हो। नहीं, आयुर्वेद वाली जो दवा है, ये दवा तो आयुर्वेद की कोई भी चीज की दवा है, सक्सेस है वो दवा। क्यों? कि पहले अंग्रेजी दवा कहाँ थी, पहले तो आयुर्वेद की दवा थी। आयुर्वेद को लेकर जो बातें बताई, और जो इसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है गौमूत्र का और गाय का। गौमूत्र है जी, ये बात आपको भी समझ में आ रही है। क्यों? अगर आपके पास देसी गाय नहीं होती तो मैंने आपको बोला था मैं दवाई भी नहीं दूंगा, क्योंकि गौमूत्र आपको रोज ताजा चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा कर रही है वो गौ माता कर रही है। तो भाई आज मैंने आपको ये बात बोला था कि ये नियम सारे जो इनको बताए आपको भी करने, मैंने बताया था दांत किसे साफ कर रहे हैं आप? सरसों का तेल है। हाँ। और नमक से नमक सेंधा नमक और हल्दी 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 में कर रहे हो, पहले इसी से करते थे, पहले कोलगेट करते थे, पहले कोलगेट करते थे, ठीक है। तो आपको पता चला क्या फर्क मिला दोनों में, क्या अंतर है? मैंने तो आपको कोई मंजर नहीं दिया ना। नहीं, कुछ नहीं। या तो पहले नीम के दातुन करो या नमक तेल हल्दी से करो। नीम के दातुन से फर्क तो होता है। हाँ, पेशेंट को जैसे नहीं कर पा रहा तो नमक तेल हल्दी। और आप लोगों सबको मैंने बताया कि आज के बाद ये समस्या ना हो, तो मैं तो सिर्फ कैंसर के पेशेंट के जो आप लोग आ रहे हो उसको ठीक करने का एक मतलब प्रयास कर रहा हूँ, और आगे किसी को कैंसर ना हो इसके लिए काम कर रहा हूँ। ये तो आपको बात है कि भाई हमारा तो चलो, अभी कितने पैसे लगा दिए आपने इस पेशेंट को अपने? 7-8 लाख रुपया लग गया। हाँ, सारा शुरू से सब जगह मिला के अभी तक लगा के अप्रोक्सीमेट आप लगा लो कि हो सकता है कि 6.5 भी लग गया होगा, 6 भी लग गया होगा, अप्रोक्सीमेट। कहने का मतलब है कि जैसे मैं बता रहे हैं जो हमारे यहाँ बताया इंजेक्शन जिसके यहाँ लगवाए थे उस उनके डॉक्टर के यहाँ, वहाँ से लेके लखनऊ, फिर आजमगढ़ का, गोरखपुर का, मिला करके बनारस का सब पहुंच गया 700 ऊपर पहुंच गया। देखो इतने पैसे लगाने के बाद, मरीजों को इतना पैसे लगाने के बाद फिर उसका जोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा टेंशन। देखो हम जोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास भैया 7 लाख रुपए का, वो कहते ना कि मजदूरी करके रोज कमा के खा रहा है, कहाँ लेके आएगा? तो वो अपना इलाज कहाँ कराए, वो तो मरेगा बेचारा। तो वो लोग कैसे ठीक हो, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैंने गौमूत्र का बताया, पर मैं तो मेरी वीडियो में हमेशा बोलता हूँ मैं सिर्फ गौमूत्र पी के ठीक हुआ। नहीं, एक हमारे रिश्तेदार भी इस चीज को बोले, बोले जो गौमूत्र वाला है सिस्टम ये सही है, यही ठीक है, कारण यही है बचने का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मैं हर बार ये बोला मैंने आप लोगों को, आज आपको जो बचना है ना तो गौ माता है तभी बच पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं मेरी दवाई ले जाओ मैं ठीक करूंगा, मैं खुद मना कर देता हूँ, अगर गाय की व्यस्त है तो मैं आपको दवाई दूंगा, ठीक है। 20 दिन के रिकवरी का मतलब मैंने अपनी इस दवाई में फर्क मिला किया मैंने आपको, लेकिन आगे आपको बीमारी ना हो, कब तक मेरी दवाई खाओगे? पूरी जिंदगी खाओगे क्या? ठीक होने के बाद आपको गौमूत्र हमेशा पीना, उसमें कोई बुराई नहीं, पीना भी चाहिए, पीना भी चाहिए। तो एक सच है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं भेज रहा हूँ, इसमें कहीं मैंने अपना नाम नहीं लिया कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं बोला आपको ठीक करने के पीछे गौ माता कहाँ। मैं उसी दिन सोचा था कि मैं भी अगर घर जाएंगे 2 महीने या 4 महीने बाद तो गौमूत्र इस्तेमाल करेंगे, चाहे 10 दिन रहेंगे या 1 महीना रहेंगे गौमूत्र इस्तेमाल करेंगे। अभी आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, यानी घर जाएंगे एंड बिहार
नहीं आज यूपी आज हाँ घर जाएंगे हाँ। तो आपको गौमूत्र का सेवन करें, आपको समझ में आ गया कि गौ का विज्ञान क्या है। अच्छा ये जो गौमूत्र है इन्हीं का अगर पूरा परिवार यूज कर ले कोई दिक्कत तो? सर रोज मैं रोज पीता हूँ, पूरा परिवार मेरा पीता है और रोज गोबर से स्नान करता हूँ मैं, तो जो मैंने किया मैंने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये तो है ही है, गौ माता के गोबर से ही तो पहले लोग बाग अपना घर लिपते थे और लिप के इसके बाद कथा सुनते थे बैठ के। ठीक है, अब कथा में गौ माता का दूध गौ माता का घी यही लगता है, बाकी भैंस का घी दूध कहीं नहीं लगता, कहीं लगता। देखो अब मैं चाहता हूँ कि गौ माता बेचारी नहीं है, वो आपके इतनी बड़ी बीमारी कैंसर को ठीक कर रही है ना, तो वो डॉक्टर है, हमने उसको बेचारी करके बेचारी को रोड पर घूमने छोड़ा। अब नहीं, जिसके घर में नहीं है व्यवस्था वो अपने गौशाला में जाकर गौ की व्यवस्था करे और उसका खर्चा उठाए, और जिसके घर में व्यवस्था है अपने घर लेके आए। तो आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया, आपको मन की शंका दूर होगी क्या? अभी मन में है आपका कीमो वाला? नहीं है ना। देखो मैं नहीं कह रहा कि बचा लूंगा, लेकिन अगर मैं बोल भी रहा हूँ आपको लगता है तो पहले आप करवा लो सर, मेरे पास लास्ट में नहीं आना। अभी थोड़ी सी भी मन में शंका रखना कि मैं बचा लूंगा, 1% भी गारंटी नहीं देता कि आप दवाई लेके जा रहे हो कल को आप ठीक हो, मैं नहीं कह सकता, किसी को नहीं बोला। ये तो आप लोग बोल रहे हो कि 4 दिन में फर्क मिल गया, 20 दिन में फर्क मिल गया, लोग आ रहे हैं 3-3 महीने में, लोगों की दवाई बंद हो जा रही है। ये रहते हैं गुड़गांव में, रहते हैं दिल्ली। मैं इनके पास फोन किया, मैं बोला कि आज 4-5 दिन हो गया, फर्क तो बहुत पड़ा उनको। ये बोले अच्छा, विश्वास तो इन पर नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये खुद बोले कि ठीक है जिस दिन चलना रहेगा 5-6 दिन पहले चल के दवा लेते हैं, ये कहे थे ये बात। ठीक है, 20-20 दिन का फर्क, 4-4 दिन का फर्क, 5-5 दिन, ये आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका नाम बताओ सर। किस है? आपका खुद का नाम? शैलेश। शैलेश, काम क्या करते हो? मैं गाड़ी पे टैंकर चलाते हैं, यानी ठीक है चलो, मेहनत मजदूरी करके आप पैसे लाते, आज आपके आप आज के बाद आपके घर में किसी को कैंसर ना हो उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो इसी वजह आपको मैं आपकी वीडियो बनी ताकि लोगों तक सच्चाई जाए। ठीक है सर।